यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। गुड मॉर्निंग। टुडे अगेन I am with you to talk to you something very basic। मैं आज उन छोटे बच्चों के लिए हूँ। कल कम से कम 50-60 ऐसे गार्जियन ने मेरे को फ़ोन किया कि सर आप जो इडियम्स बताते हैं वो बड़ों बच्चों को तो समझ में आता है, लेकिन आपके स्कूल में कम से कम मेरा 3 ऐसा बच्चा पढ़ रहा है जिसको कुछ समझ में नहीं आता। स्कूल में पढ़ाई करता है और उन लोग को सर कैसे मेरा बच्चा फ्लुएंट इंग्लिश बोले। पेरेंट्स की सोच है कि मेरा बच्चा फ्लुएंट इंग्लिश बोले। मैंने कहा उनको हिंदी में समझ में आती है तो हिंदी बोलवाइए। बोलता नहीं सर, इंग्लिश मीडियम में जाता है। मैं अपने बच्चों को चाहता हूँ, कुछ लेडीज़ भी थी मदर्स, जैसे कि मैं अपने बच्चे को चाहती हूँ कि वो अंग्रेजी में बोले। सर तो आप इतना बढ़िया समझाते हैं तो बच्चों को इस तरह समझाइए ताकि हमारे बच्चों को फ़ायदा हो। तो ये जब लेक्चर आप चालू करते हैं बच्चों के सामने तो आप भी साथ में बैठ जाएं और उनको ये चीज़ एक बार नहीं, जैसे आप ब्रेकफास्ट दे देते हैं तो ब्रेकफास्ट 10 मिनट में बच्चा खा लेता है, उस तरह से मत इसको पढ़ाएं या बताएं। उसको रिग्रेसली बार बार बताएं, हंसते खेलते गुस्सा करके नहीं, सो दैट इट बिकम्स यू नो ए कल्ट काइंड ऑफ थिंग इन देयर माइंड सेट, इन देयर रूटीनाइज अफेयर कि नहीं मामा के साथ बैठना है तो मुझे इतना चीज याद करना ही करना है। इट बिकम्स ए काइंड ऑफ रूटीन एंड दे फाइनली इनग्रेन इट, अपने अंदर आत्मसार कर ले। जैसे जैसे बच्चा सुबह उठता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल घर में कितने लोग हैं, मम्मी पापा भैया दीदी, गुड मॉर्निंग मम्मी, क्योंकि सबसे पहले बच्चे के अंदर हेजिटेशन दूर करना बहुत जरूरी है। गुड मॉर्निंग मम्मी, गुड मॉर्निंग पापा, और ये फीलिंग बच्चे के अंदर आ नहीं रही है। नो मम्मी उठ गया, गले मिल लिए, ठीक है। गले मिलना इज द मोस्ट एंड परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ एम्बॉडीमेंट ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ लव टू द पेरेंट्स। लेकिन साथ साथ हैंडसम इज व्हाट हैंडसम डज, जैसे कहता है ना कि लॉ शुड नॉट ओनली बी डन, इट शुड हैव अपीयर टू बी डन। इसीलिए कहता है कि लॉ में बहुत समय लग जाता है। प्यार होना ही नहीं चाहिए, बच्चे को माँ बाप से प्यार होता ही नहीं है, दर्शाते हुए भी दिखना चाहिए। ऐसा कौन सा प्यार है, हाँ अपने बच्चे को खूब मानते हैं लेकिन एक्सप्रेस नहीं कर पाते। हम लोग बोलते हैं ना ल ल ल ल ल टिड़ी पाम टिड़ी पाम टिड़ी पाम, बच्चा खड़ा हो जाओ खड़ा ल ल ल ल खड़ा हो गया। दिस बच्चे द चाइल्ड गेट्स यू नो इलेट, ही फील्स क्वाइट मोटिवेटेड दैट माई मदर इज जस्ट होल्डिंग माई फिंगर टिप्स। And now I should stand up. That baby gets that kind of confidence and she stands up. So the child has to be motivated. बहुत सारे बच्चों को मैं देखता हूँ जो गार्जियन, बहुत सारे बेमेल मैरिज भी होती हैं। एक गरीब घर का बच्चा अमीर घर की बच्ची से शादी, लड़की से शादी हो जाती है, तो उसके जो बच्चे होते हैं, I told you that today you have to speak in English. बच्चा समझ नहीं पा रहा है, मारे जा रही थप्पड़, तड़ा तड़ तड़ा तड़। You tell me this, why don't you remember? Why don't you remember? अरे यार पहले समझाओ तो उसे। Why she is not able to speak? Why that baby is not able to speak? आप अपने मैच्योर लेवल से बच्चे को एक्सपेक्ट कर रहे हो, यू आर ट्राइंग टू इन्फ्यूज योर कॉन्फिडेंस इन ए चाइल्ड, दैट्स नॉट पॉसिबल, दैट इज नॉट टू बी। तो आप शुरुआत करें, बेटा यू जस्ट से गुड मॉर्निंग, छोटी छोटी सेंटेंसेस, स्मॉल सेंटेंसेस, बिट्स एंड पीसेस। बच्चा तुतलाएगा भी, दे विल स्टैमर बट दे विल ट्राई टू कैच अप।
because these, you know, smaller sentences acts like thread, and all the threads combined together makes a beautiful statement. And more than that, before using a sentence, the child has to develop the confidence. So jadi bachcha uthta hai ghar mein, dadi hai, good morning dadi, aakhir charan chhuna bhi ek hamari pratha hai, hum log kar lenge, uske baad hi bole good morning dadi, good morning baba, good morning dadaji, papa, mummy, bhaiya, didi. So this should be the first lesson to start with. अब बच्चे को ये भी नहीं पता होता है कि गुड मॉर्निंग का टाइम क्या होता है, तो गुड मॉर्निंग का ड्यूरेशन 12 बजे तक, इनफैक्ट 12 बजे तक आप इसको गुड मॉर्निंग तक चलने दें। कभी कभी मैं देखता हूँ गेटकीपर, जब भी कहीं मिले रात के 9 बजे भी बज गया, गुड मॉर्निंग सर, मैंने कहा यार ये तो गुड इवनिंग का समय है, तो नहीं सर गुड मॉर्निंग ठीक है, गुड मॉर्निंग, क्योंकि बेचारे कभी किसी ने सिखाया नहीं कि मॉर्निंग का मतलब कब होता है, आफ्टरनून का मतलब कब होता है, गुड डे का मतलब क्या होता है, गुड नाइट का मतलब कब होता है। सो अप टिल 12 o'clock इट इज गुड मॉर्निंग, 12 बजे से 5 बजे तक यू कैन से गुड डे, और गुड डे में भी कब, व्हेन यू आर पासिंग ऑफ, सपोज यू केम टू द स्कूल, गुड डे सर, लेकिन ए चाइल्ड हु इज कमिंग टू द स्कूल इन गुड डे, आई डोंट थिंक दैट ही हैज अटेंडेड द मॉर्निंग असेंबली, सो इट हैज टू स्टार्ट विद अ गुड मॉर्निंग एट होम एंड टू द स्कूल ऑल्सो, बिकॉज वट एवर टाइम दैट स्कूल स्टार्ट्स इट हैज टू बी बिफोर 12 o'clock, बिकॉज आफ्टर 12 o'clock इट इज आइदर द रेसेस टाइम और ऑफ, स्कूल इज ऑफ, and after 5 o'clock good evening. There are some people who say good day to you sir, I think this is a misnomer, you can say good day sir, enough, thank you to you, thank you to you bolne ki koi zarurat nahi hai, thank you sir, enough. These are some smart ways of greeting someone whom I want to pay respect. Good morning sir, good afternoon sir, good day sir, good evening sir. Good evening means from 6 o'clock, from 5 o'clock to the time which you are going to leave him or her. And when in the evening it's time to depart finally, it's always the time to say good night sir. When you believe that no more you are going to meet somebody in night again. So good night. So these are the basic traits which a child has to be imparted, either for a primary nursery trained teacher, because most of the teachers they are trained something in, but they fail to implement to the child. So the children per se, irrespective of which school they are studying in, they have to be taught what are the basic manners which they have to, you know, teach, which they have to imbibe in the child's mind. And mind you, these are the age, these are some of the stages. Once they develop this habit, they are never going to forget whole of their life. So this is the first day and the first procedure and the manners and the restrictions of the manner which they have to come across. Now, once we have said or greeted somebody by saying good morning, good evening, good night, thank you sir, okay sir, bye bye, good night sir, and nice dreams, somebody says sweet dreams, but I find when you use the word sweet dreams, that has a nefarious meaning with it. Somebody will attach nice dreams sir, sweet dreams sir, why to dream? Okay, if somebody wants to dream, let them dream, and you have to say bye bye, bye bye, bye bye mom, good day sir, good evening sir, good night sir, bye bye sir, bye, bye bye sir. So these are some of the manners, these are some of the etiquettes, these are some of the courtesies that a child must learn. अभी देखो हमारे कंट्री में एक
जबरदस्त सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आ गया है बच्चों के अंदर और पेरेंट्स के अंदर। हम बहुत हाई फाई स्कूल में बच्चों को पढ़ाएंगे। बहुत हाई फाई के अंदर क्या होता है, अभी देखो हमारे कंट्री के अंदर भी जितने बच्चे आईएएस आईपीएस करते हैं या सिविल सर्विसेज में जाते हैं, जबरदस्त रिकॉर्ड तोड़ एक प्रयास शुरू हो जाती है कि हम अपने बेटी की शादी, जो अमीर घर के बच्चे होते हैं, लड़कियां होती हैं, हम अपने बेटी की शादी आईएएस से कर देंगे। लड़की का एजुकेशन लेवल कम है या फिर लड़के का बैकग्राउंड, यूपीएससी तो कर गया लेकिन उसकी बैकग्राउंड क्या है, वही एग्रीकल्चर एग्रीगेरियन मोड, उसकी शादी हो गई कॉन्वेंट एजुकेटेड फैमिली से, एंड देन डिस्कॉर्ड स्टार्ट्स देयर इन। बहुत सारे इवन आईएएस ऑफिसर्स रेल की पटरी पे गला डाल के उन्होंने आत्महत्या कर लिया है। व्हाई? देयर इज ए फैमिली इनकंपेटेबिलिटीज, बेमेल शादियां इसको बोलते हैं। बच्चे का, लड़के का बैकग्राउंड बहुत ही मीडियम बैकग्राउंड का है, पुअर लो बैकग्राउंड का है, और लड़की का बैकग्राउंड हायर रिच फैमिली का है। मेल नहीं खाते, दोनों फैमिली की कन्वर्जेंस नहीं हो पाती म्यूचुअली, एंड यू नो दोज टू फैमिलीज डू नॉट मीट टुगेदर, आफ्टर सम टाइम्स इट लीड्स टू सम काइंड ऑफ डिस्कॉर्ड। उसी तरीके से गांव में भी देखता हूं कि बच्चे शुरू करते हैं एंड इन ऑर्डर टू विदाउट मेकिंग देयर ओन यू नो रियल स्टैंडर्ड एकेडमिक स्टैंडर्ड, दे कीप ऑन सर्चिंग स्कूल आफ्टर द स्कूल। अभी सबसे ज्यादा डलमा बच्चों का होता है एनसीईआरटी बुक छोड़ के बहुत सारे प्राइवेट पब्लिकेशन की किताब पढ़ते हैं। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, स्कूल में कुछ पढ़ाया जा रहा है फिर घर में आके ट्यूशन पढ़ते हैं, अटर कंफ्यूजन। सारे बच्चे एक ब्रिलियंस के नहीं होते, बहुत सारा बच्चा मीडियोकर होता है, बहुत सारा बच्चा बहुत तेज स्टार्ट करता है, बहुत सारा बच्चा लो एंड बहुत स्लो स्टार्टर करता है। अल्टीमेटली देर अचीव द गोल बट इनिशियली दे फॉल्ट ऑफ, बट इन सर्च ऑफ इमिनेंट रिजल्ट्स दे एक्सपेरिमेंट ऑल काइंड ऑफ एक्सपीरियंसिस ऑन द चिल्ड्रंस डे टू डे हैपनिंग। दिस इज वेरी डिजास्टर्स। बच्चे को कंटिन्यूटी के साथ पढ़ाना चाहिए और उसके बेसिक्स पे ध्यान देना चाहिए। मैं बार बार बोलता हूँ कि बच्चे को टेक्स्ट बुक के रूप में केवल एनसीईआरटी किताब पढ़ानी चाहिए। इसके लिए ना तो आपको ट्यूटर की जरूरत होती है, आप खूब लिखवाइए बच्चे को, खूब बुलवाइए और खूब पढ़वाइए। रीडिंग राइटिंग एंड स्पीकिंग हैबिट्स। नाउ देर आर समथिंग मोर टू स्पीक अप टू लर्न अबाउट। जैसे हमारे बिहार में एक बहुत ही बोलचाल की भाषा अथी कोची ठो गो, इस तरह की भाषा है। वी कैन ईजिली रिप्लेस इट बाय प्लीज, कुड यू गिव मी दैट बुक प्लीज, व्हेन यू कम टू द क्लास मे आई कम इन प्लीज, सॉरी प्लीज पार्डन मी, माफ करना यार, सॉरी एक्सक्यूज मी प्लीज, या हमसे गलती हो गई है पार्डन मी प्लीज। ये छोटे छोटे वर्ड्स हैं विच गोज टू मेक होल लॉट ऑफ डिफरेंस टू योर पर्सनल कंडक्ट एंड यू नो कंडक्टिंग योर सेल्फ इन डे टू डे एक्टिविटीज। अब मैंने किसी से किताब उठाया, अब सारे बच्चे hey, ले रहे तुमसे किताब, व्हाट इज वे ऑफ डे, एक्सक्यूज मी कैन यू लेंड मी योर बुक फॉर अ डे और सो प्लीज, कैन आई टेक योर बुक प्लीज। जब उसने कहा oh, sure, प्लीज, छोटे छोटे वर्ड्स यदा यदा पढ़ने के लिए, मेमोराइज करने के लिए, बोलने के लिए, यू डू नॉट रिक्वायर अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां।
विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि ते युगे And in my tiffin, you must give me some roti or sabji. Give me some chapati or some vegetable. Mama, don't give me any snack in the form of, you know, something like which is purchased from the market, like biscuit or something like cookies. These are not the food or the food to be taken in the school. My school do not allow such kind of food. A child can start with this kind of simple sentences. And mind you, before speaking, it's not the word or the kind of word that you are choosing. It's your confidence which is very important. The habit of coming up in English, that makes you systematized towards a particular task of speaking in English. That's so great. And that's very something interesting which makes a parent more impressive about that my child is learning something in school. But you have to have this kind of scenario and the family atmosphere created at home that my child learn these things. Don't leave everything to the school. There are numerous things to be learned at home also, and such child can give you better results. So let us recapitulate. Small sentences. What did you learn in the school today? India is my country. I love my country. My name is so and so. My sister's name is so and so. My father's name is so. My mother's name is so and so. My mother's name is Prabha Kumari. My father's name is Sushil Kumar. Whatever name that may be. So simple statements, simple lines. These are the things which a child should start with. And I think I have been able to quench some of the queries of the parents which they have talked to me on telephone and requested me, ki sir, please guide my children. Mera bachcha to baat hi nahi sunta. Wo bolta nahi, school mein hamein teacher batayenge. Teacher jo batayenge, that would be over and above. Aap jo background create karenge ghar mein, that would be real facilitator. उन स्टेटमेंट से बच्चों के अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा और वो कॉन्फिडेंस स्कूल में दिए गए स्टेटमेंट के साथ मेल करेगा. बच्चे के अंदर एक सीखने की टेंडेंसी आएगी. शी और शी विल लर्न द हैबिट ऑफ स्पीकिंग अप एंड गेन द कॉन्फिडेंस फर्स्ट एंड देन रिपीट इट अप. हर बच्चा किसी क्लास में हो, बोलने से पहले उसे लिखने की आदत होनी चाहिए. जितना वो लिखेगा उसकी मेमोरी उतनी शार्प होएगी और उसके बाद जितना बोलेगा उसकी लिखावट में भी असर आएगा, उसकी बोलने की कॉन्फिडेंस में अंतर आएगा. एंड ए चाइल्ड विल डेफिनेटली पिक अप समथिंग नाइस. फ्यू सेंटेंसेस लाइक गिव मी योर पेन, मुझे तुम अपना पेन दो. गिव मी योर पेन, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है. रवि गिव मी योर पेन. कोशिश करो कि जो वर्ड तुम हिंदी में बोल रहे हो, तुम हमें मारोगे, प्लीज यार डोंट बीट मी. ये छोटे छोटे वर्ड है ना जो स्कूल में बच्चे यूज करते हैं. कभी किसी का शर्ट वगैरह खींच लिया, डोंट पुल अप, डोंट पुल मी अप, डोंट पुल अप माई शर्ट प्लीज, मेरा शर्ट मत खींचो. अब सारे बच्चे, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि बेंच के ऊपर स्केल से, प्रकाल बॉक्स से वो स्क्रैच करते हैं. डोंट स्क्रैच ऑन द बेंच प्लीज. जैसे अभी बोलता है ना कोरोना वॉरियर्स, सो व्हाई कांट ए चाइल्ड बी एजुकेशनल वॉरियर्स इन द स्कूल. व्हाई शुड, आज के दिन में सबसे बड़ी समस्या है कि हर स्कूल वाला लाखों लाख की सीसीटीवी कैमरा लगाते हैं स्कूल में. व्हाट इज द यूज ऑफ द सीसीटीवी कैमरा इफ माई ओन चिल्ड्रन आर अवेयर that is their school. They should be self-empowered. This is my school. These benches are for me.
आई एम गोइंग टू स्टडी टूडे एंड आफ्टर मे बी 20-25 ईयर्स माई चिल्ड्रन विल कम इन दिस स्कूल. सो दैट काइंड ऑफ लव ए चाइल्ड मस्ट लर्न राइट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे. और इसी तरह की इंस्पिरेशनल, इसी तरह की मोटिवेशनल और इसी तरह की अफेक्शनल मैसेज हमारे बच्चों के अंदर होनी चाहिए. हमने एजुकेशन को इतना टफ बना दिया है, इतने कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है, इतना कॉस्टली बना दिया हुआ है कि पता नहीं कौन सी रॉकेट साइंस है. ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग. इसके लिए 5,000 रुपये पर मंथ, ये कितनी बड़ी विडंबना है भाई. इट शुड बी वेरी चीप. ठीक है, मान लिया कि नई एटमोसफेयर है सरकारी स्कूल में, छोटे स्कूल जो जहां जहां पे सीबीएसई एफिलेटेड स्कूल है वहां पर ये बच्चों को पढ़ाई होती है. इतने महंगे 30-30 किलोमीटर तक बच्चे जा रहे हैं. आपको पता है कि एक बच्चा जब 30 किलोमीटर जाना 30 किलोमीटर आना बस में चलता है तो उसके बैकबोन पे कितना असर होता होगा. ये छोटी छोटी इश्यूज है विच वी हैव टू एड्रेस. व्हाट इज द टाइम, क्या टाइम हो रहा है सर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, व्हाट इज द टाइम, टाइम प्लीज, प्लीज गिव मी द टाइम सर, व्हाट इज द टाइम सर, क्या टाइम हो रहा है सर, इसको हिंदी में इंग्लिश में बोलेंगे, टाइम प्लीज, व्हाट इज द टाइम सर. टीचर विल से ओके इट्स टाइम फॉर योर ब्रेक और द स्कूल इज गोइंग टू बी ओवर और मे बी 1:30, 12:30 और द रेसेस टाइम इज ओवर. So I'll give you simple statements, 1-2 liners, so which you have to practice. अपना YouTube on करो और पढ़ाई शुरू करो. उसके पहले सबसे ज़्यादा important चीज़ जो है मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, that make your education very cheap, make your education very confident and make your education tension free. Education से प्यारा कुछ चीज हो नहीं सकती. और जो बच्चा जिसकी शिक्षा अच्छी नहीं हुई वो कभी बढ़िया सपना नहीं देख सकता. इसलिए हमारे पेरेंट्स से अपील है कि अपने बच्चों को सुसज्जित करें. स्कूल इज अ सेकेंडरी सोर्स, द मदर्स लैप इज द फर्स्ट यूनिवर्सिटी एंड द लास्ट यूनिवर्सिटी ऑफ कोर्स. द माँ की गोद, माँ की आंचल से बड़ा कोई यूनिवर्सिटी नहीं हो सकता, उससे बड़ा कोई डिग्री नहीं हो सकती उनके प्यार का. हम अपने बच्चों से खूब प्यार करें और बच्चों को एक ऐसा एटमॉस्फेयर दें, एक ऐसा वातावरण में उनका पालन पोषण करें जहाँ पे उन्हें कॉन्फिडेंस दिया जाए कि इट इज़ ही, इट इज़ शी हैज़ ऑल द पावर इनहेरेंट एंड शी कैन कंकर इट विदाउट एनी ऑब्स्टिकल. थैंक यू वेरी मच.